राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन गंगा में दीप दान करने का बहुत महत्व होता है। गंगा दीप दान अगर हो सके तो आप गंगा जी के किनारे जाकर करें। किसी कारण अगर आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आप घर पर गंगा दीप दान कैसे करें? दीप दान कहाँ पर करने हैं और किस समय करने हैं, आज की वीडियो में संपूर्ण विधि बताई हुई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी खुले स्थान पर, घर के आंगन में, बालकनी में या फिर छत पर, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो, आप उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें। यहाँ पर हम चौक बना लेंगे। आप हल्दी से या आटे से भी चौक बना सकते हैं या फिर रंगोली के रंगों से भी सुंदर सी रंगोली बना लें। हमने यहाँ पर आटे से चौक बनाई हुई है और सिंपल सी डिज़ाइन बनाई है। आपको और कोई डिज़ाइन आती हो तो आप भाभी बना सकते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनानी नहीं आती है तो सिर्फ आप स्वास्तिक बना लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिंपल सा चौक बना लिया है। इसके बाद हम एक शुद्ध बर्तन लेंगे। बर्तन आप कोई सा भी ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का या फिर स्टील का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर परात ले ली है। परात हमारे किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, या कभी जूठी नहीं होती है। परात में सबसे पहले हम थोड़ा गंगा जल डालेंगे। इसके बाद हम गंगा जी का स्मरण करते हुए परात को शुद्ध जल से भर लेंगे। गंगा माँ हमारे घर में और हमारी परात में आ चुकी हैं। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। गंगा जी के किनारे पर हम हल्दी रोली से तिलक कर लेंगे। अगर आप गंगा जी के तट पर जाकर पूजन करते हैं तो भी आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। यदि आप कृतकम गंगा जी का पूजन कर रहे हैं, यानी कि घर पर गंगा जी का पूजन कर रहे हैं, तो भी आपको इसी प्रकार से पूजन करना है। इसके बाद हम गंगा माँ को फूल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप मिठाई, फल या फिर खीर पूड़ी का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। सारे दीपकों में हमने हल्दी रोली से तिलक कर लिया है। एक एक करके हम सारे दीपकों को जल में छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने गुलेड़ के पत्तों पे दीपक जलाए हुए हैं। आप दीपक आम के पत्ते पे या पीपल के पत्ते पे जला सकते हैं। आप अगर गंगा जी के किनारे दीपक जलाते हैं तो वहाँ पर आपको दोने बने हुए मिल जाते हैं, जिन दोनों में रुई की बत्तियां रखी हुई होती हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से अथवा गंगा में दीप दान करने से आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। जल को हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से घुमा लेंगे ताकि हमारे दीपक तैरने लगें। हो सके तो गंगा माँ को आप एक साड़ी दें और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। अगर इतना नहीं हो सकता तो आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें और दक्षिणा अर्पित करें। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर गंगा दीप दान कर सकते हैं। मन में हमें यह भाव रखना है कि हम गंगा जी में ही दीपक दान कर रहे हैं। इसके बाद हम पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।